मलेशिया एक ऐसा देश है जो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचने की पूरी क्षमता रखता है। यह एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे उत्सव वर्ष के 12 महीने चलते रहते हैं। मलेशिया लोगों की ऊर्जा और उत्साह ही वहां होने वाले उत्सवों की जान है जो पर्यटकों को अपने देश बुलाते हैं। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक खूबसूरत देश है। यह दक्षिण चीन सागर के दो भागों में बटा हुआ है। मलेशिया में चीनी, मलय और भारतीय जैसे विभिन्न जातीय समूह निवास करते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलय है, लेकिन शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में ज्यादातर अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मलेशिया देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। मलेशिया में स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1956 को हुई थी। मलय नेता तुनकु अब्दुल रहमान ने मलेशिया की आजादी की अगुवाई की। मलेशिया में दुनिया में राजशाही परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा है। रैफलेसिया नाम का दुनिया का सबसे बड़ा फूल मलेशिया की सभा में पाया जाता है। मलेशिया का राष्ट्रीय ध्वज 16 सितंबर 1963 को अपनाया गया। इसकी डिजाइन मोहम्मद हमजा ने बनवाई थी। हमजा की उम्र उस समय महज 28 साल की थी। मलेशिया में पहली फिल्म 1933 में दिखाई गई थी और उस फिल्म का नाम था लैला मजनू। मलेशिया के बेलम जंगल में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। यहाँ प्रति किलोमीटर में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। मलेशिया के पिनांग में स्थित पिनांग फ्री स्कूल दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पुराना अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। इसकी स्थापना सन 1816 में की गई थी। नासी कंदर मलेशिया में सबसे अच्छा डिश है, जिसे भारतीय मूल के मुस्लिम लोग मलेशिया ले गए थे। मलेशिया में मिलने वाले बिंटिग और पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर HIV वायरस से लड़ने वाले तत्व होते हैं, इसलिए इनकी तस्करी खासी बढ़ गई है। ये पेड़ सिर्फ सारावाक में ही पाए जाते हैं। मलेशिया में हर साल महज 15 फिल्में ही बनती है, वहीं 300 से 400 टीवी सीरियल ही बनते हैं। पूरे देश में महज 250 फिल्म थिएटर ही है। कुआलालंपुर का कुआलालंपुर टावर दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। पिनांग का सेंट जॉन चर्च 1818 में बनाया गया था। यह अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पुराना चर्च है। दुनिया का सबसे लंबा किंग कोबरा सांप मलेशिया में पकड़ा गया था। तब उसकी लंबाई 5.54 मीटर थी। इसके बाद इसे लंदन ले जाया गया, जहां इसकी लंबाई बढ़कर 5.71 मीटर हो गई है। मलेशिया का पिनांग पुल एशिया का तीसरा सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई 13.7 किलोमीटर है। मलेशिया में सांस संबंधी रोगों से मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। मलेशिया और कतर में सांस संबंधी रोगों से प्रति 1 लाख में से महज 8 मौतें ही होती है। तो दोस्तों, ये थी मलेशिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य देश की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।